अली अकबर को जब जंग की इजाजत मिल गई तो मौला हुसैन ने अपने करियल जवान अली अकबर को घोड़े पर सवार कराया। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। अली अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, उधर पीछे पीछे हुसैन चले। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हुई, उधर हुसैन के कदमों की रफ्तार भी तेज हुई। जब अली अकबर ने कदमों की आहट सुनी, मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप पीछे पीछे चला रहा है। अली अकबर रुके, कहते हैं बाबा अभी तो आपने अली अकबर को इजाजत दी, बाबा अब क्यों पीछे पीछे आते हैं। मौला कहते हैं अली अकबर, अरे काश तेरा कोई जवान बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता कि जब कोई जवान बेटा मरने जा रहा हो तो बाप के कलेजे पर क्या गुजरती है बेटा। अली अकबर कहते हैं बाबा आपकी ये हालत देखकर अली अकबर से नहीं जाया जाएगा बाबा, बाबा आप कहे तो मैं नहीं जाता। मौला हुसैन कहते हैं नहीं बेटा तू जा, मगर एक काम करना, अपने बाबा को मुड़ मुड़ कर देखते रहना बेटा। अरे हुसैन चाहता है तुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सके। अरे तू मेरे नाना रसूल अल्लाह की छवि है, अरे जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता तो तेरा चेहरा देखता। अरे तुझे देख के मुझे सुकून मिलता है मेरे करियल जवान। अरे किस्सा मुख्तसर डालो। अली अकबर मैदान जंग में दाखिल हुए, अली अकबर ने जंग करना शुरू की और ऐसी जंग के जैसे दादा अली किया करते थे। हाथ अदारो, जंग करते करते हुसैन का लाल जालिमों में गिर गया। जब जालिमों में गिरा तो किसी जालिम ने आकर अचानक एक नैजा अली अकबर के सीने में मारा और अली अकबर से संभलाना गया, घोड़े से जमीन पर आने लगे। आते आते बाबा को सजा दी, सदा दी। उधर से बूढ़ा बाप हुसैन मैदान की तरफ चला। अरे किस तरह से हुसैन आते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। अरे हुसैन की बिनाई चली गई। अरे हुसैन कभी दाएं तरफ जाते हैं कभी हुसैन बाएं तरफ जाते हैं और बस ये कहते हुए जाते हैं आईना आईना अली अकबर, अली अकबर कहां हो, अली अकबर अपने बाबा को आवाज दो बेटा, अरे मुझे कुछ नजर नहीं आता। अली अकबर, अकबर ने दी सदा सीने में है नैजा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा मदद का, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा सीने में है नैजा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अरे सूखी हुई जबान है, प्यास का इस हाल में कहां तलब करता भला विवाह। मजबूर हूँ बाबा अब वक्त ये आया, नैजा निकालते हुए तुम अपना फेरना। है दर्द गजब का दम होठों पे आया, घोड़े से
قضا کا آ جاؤ خدا را صبر و حوصلہ چارگی پدے تنہا گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پہ ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا ہائے روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام یا شاہ دو سرا اب ہے سفر میرا بوڑھا قدر اٹھائے گا میت جوان کی پہنچے شہ ہدا سن کر یہ مرثیا سنبھال
زمان